भोपाल कलेक्टर कौसलिन सिंह का अवैध खनन को लेकर बड़ा बयान आया है। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी और माइनिंग की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने की बात कही है। शहर के ग्रामीण अंचलों में ठेकेदार द्वारा लगातार रोड के बगल से अवैध रूप से कोपरा निकालकर सड़क बनाई जा रही है। भोपाल समेत ग्रामीण अंचल में अवैध खनन को रोकने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रेत का अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि उनको कानून का भी डर नहीं रह गया था। ऐसे में कलेक्ट्रेट ने अवैध खनन की रोकथाम को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। भोपाल जिला प्रशासन एक्टिव होकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और अभी आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कमेटी है, उसकी हम लोग मीटिंग बुलाएंगे और जो पुराने कंप्लायंस हैं उनको कराना और नए क्या डिसीजन हो सकते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। वहीं उन्होंने भू माफिया को लेकर बताया कि अभी तक 6 अवैध कॉलोनाइजर पर FIR करवाई गई है और लगातार जैसे जैसे प्रतिवेदन आ रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि जहाँ रोड बन रही है उसके किनारे से कोपरा निकलेगा तो गड्ढा हो जाएगा, गाड़ियों के एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। मैं इसको PWD और माइनिंग की संयुक्त टीम बनाकर चेक कर लेता। अवैध 6 कॉलोनियों की रजिस्ट्री पे मैंने प्रतिबंध लगा दिए हैं और जैसे जैसे प्रतिवेदन आते जाएंगे वैसे वैसे और कार्रवाई करते जाएंगे। सर, ट्रैफिक की समस्या भोपाल में काफी है। पिछले शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर उन्होंने बताया कि अभी हम लेफ्ट टर्नर को क्लियर कर रहे हैं और सभी से बातचीत करके यातायात पुलिस के सहयोग से शहर की ट्रैफिक की समस्याओं को भी दूर करने में प्रयासरत रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि 4 तारीख को मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। पुरानी जेल परिसर में सुरक्षा चाक चौबंद है। EMT न्यूज़ भोपाल।